इन पांच लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि तनाव कैसे जो है आपकी खुदकुशी का कारण बन सकता है। आजकल सभी लोगों में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की उनको प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आज आपको मैं ऐसी पांच जो मिथ्स लोगों के बीच में फैले हुए हैं जिनको ये लगता है कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई समस्या है ही नहीं, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे और आपके जितने भी गलत मिथ्स हैं जो लोगों के बीच में फैले हुए हैं उन सबको दूर करेंगे डॉक्टर सम्राट करण, जो कि बताएंगे कि कैसे आप इन सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं, कैसे आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ का पता कर सकते हैं और किन कारणों से आप जो है अपनी खुदकुशी करने से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि आप ये पेशेंट देख रहे हैं, इनकी आप मेंटली हालत भी देख रहे हैं कि किस तरीके से खराब है। ऐसी कंडीशन कभी ना कभी जरूर आते हैं, बच्चे बूढ़े या जवान सभी जो है कुछ ऐसी करते ही है मूवमेंट, तो आप कैसे समझाएंगे कि लोगों का तो ये मानना है कि हमारा बच्चा पागल थोड़ी ना जो डॉक्टर के पास जाएगा। तो ये सबसे पहला मिथ है, इसको आप कैसे क्लियर कर पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सम्राट करण सहगल, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल, साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोरोग विशेषज्ञ। मैम, सबसे पहले ये चीज़ की इम्पॉर्टेंट जानकारी होना ज़रूरी होता है कि जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो मानसिक रोगों की जो प्रॉब्लम होती हैं वो पागलपन नहीं होता है। हर इंसान, जिस इंसान के अंदर बिहेवियर, थिंकिंग और इमोशंस होते हैं वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं और इसके लिए हमारे को इलाज लेना पड़ता है। अभी जैसे कि आपने देखा इनके अंदर कि ये एकदम इन्होंने पेन को नीचे फेंका, एकदम अपने आप को जोर के मारा टेबल के ऊपर खड़े हुए, आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस और बिहेवियर हो गए इनके, इनके कंट्रोल में इनके खुद के मूवमेंट्स नहीं रहे, एकदम परेशान हो गए। ये सब जो है ये सारे के सारे फ्रस्ट्रेशन एकदम हो जाती है इंसान को, जिसकी का कोई ना कोई कारण होता है, जिसकी वजह से मन उदास रहता है, नींद में प्रॉब्लम आती है, काम में मन नहीं लगता, सिर दर्द होता है, धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट होती है, कुछ भी सूझ नहीं पाता जो मरीज़ होता है, कुछ समझ नहीं आ पाती उसको कि कैसे करना है, क्या करना है, अपने बालों को जैसे ये हिला रहे हैं, अपन नीचे मुंह कर रहे हैं, शांत बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि सोच सूझ की समस्या नहीं है, समस्या हो रही है और नेगेटिविटी जो सी है वो बढ़ती चली जा रही है। ये इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको अगर कंट्रोल या तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम अपने मन की बात को अपने किसी परिवार वाले के साथ में या अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें, किसी ऐसे इंसान के साथ जो उस चीज़ को ना ही केवल सिर्फ सुने बल्कि हमें समझाए भी, ताकि सुनकर हमारे को कुछ बेहतर महसूस हो और राहत महसूस हो पाए और हम कंट्रोल कर पाएँ अपने आप को, या फिर हम एक डॉक्टर की मदद लें। अब सबसे बड़ी बात जो आपने एक पूछा कि एक ये मिथ है कि मरीज़ को अगर कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वो सोचता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, ठीक है ना। तो पागल लोग के डॉक्टर साइकियाट्री एक पागलपन नहीं होता, ये इमोशन बिहेवियर और थिंकिंग की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। हमारे को सबको ये चीज़ फेस करनी आती है, हम जब कोई खुशी की बात होती है तो हंसते हैं, रोने की बात होती है तो रोते हैं, गुस्सा आने की बात होती है तो गुस्सा होते हैं, ये सब हमारे इमोशन ही तो हैं जिसके रिस्पॉन्स में हमारा बिहेवियर आ रहा है। जैसे इनका आया, इन्होंने इनको नहीं, इनको पता है पेन लगने से या कोई चीज़ टूटेगी या किसी को चोट लग सकती है, या इन्होंने ऐसे मारा है या खुद की हड्डी को भी नुकसान पहुँच सकता है, खुद को भी चोट लग सकती है, बट इन्होंने करा बिकॉज इज़ नॉट इन हिज कंट्रोल, ठीक है ना। वो सोचने की शक्ति चल गई, तो ये डॉक्टर के पास आए हैं, साइकियाट्रिक के पास अपनी बात करने, ना कि इसलिए कि पागल हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि अपने इमोशंस, बिहेवियर और थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब सर, जैसे कि आप देख रहे हो पेशेंट ऐसे बैठा, आप बिहेवियर भी नोटिस कर चुके हो, आप देख रहे हो कि इनको कितनी समस्या है, तो ये कौन सी स्टेज है, इस समय ये किस स्टेज में है? देखो, डिप्रेशन में अगर कोई इंसान आता है तो बेसिकली हमारी किताबों के अनुसार वो तीन प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो ICD-10 होती है, अभी तक ICD-10 चल रही है, ये WHO रिकॉग्नाइज होती है,
ये जो अपने आप को चोट पहुंचाना या अपने आप को नुकसान देना या अपना सुसाइड के विचार आना मन में, ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन होता है। इसको इमीडिएटली सॉल्व करना ज़रूरी होता है और केवल साइकियाट्रिस्ट ही समझ पाएगा इस चीज़ को। अगर आप इनसे पूछे या कोई ऐसे इंसान हो जो ऐसी परेशानी के अंदर हैं, पूछो उनसे भाई तेरे को क्या हुआ, तो उनको लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो बात नहीं करना चाहते, वो आपको कहेंगे कुछ नहीं हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है ना। अगर आप तो पूछे तू ठीक है, वो बोलेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप भी देखकर समझ पा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। कि ये हाथ पैर कांप रहे हैं डॉक्टर साहब, ये मतलब आई कांटेक्ट भी इनका बिल्कुल ही जीरो है, तो मतलब ये आप इनको कैसे हैंडल करेंगे जी? इनको हम सबसे पहले, हमारे अंदर एक आर्ट होती है साइकियाट्रिस्ट के अंदर, जो कि जिसको हम आम भाषा के अंदर काउंसलिंग भी कह देते हैं या कुछ भी कह लें आप अपनी आम भाषा के अंदर, लेकिन हम लोग की एक आर्ट होती है, हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, उसका हाव भाव, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, किस हिसाब से वो बैठा है, उस चीज़ को बात करके हम उससे बात निकलवाने की कोशिश करते हैं, एड्रेस करते हैं स्ट्रेसर को कि क्या है, रैपो इस्टेब्लिश करते हैं हम पेशेंट के साथ में। पेशेंट को भरोसा होता है कि मैं डॉक्टर को अपनी बात बताऊंगा, डॉक्टर मेरी बात को समझेगा, समझेगा तो फिर वो अपने मन की बात को धीरे 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 बताता है। जब वो अपने मन की बात को धीरे धीरे बताता है, जब वो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करने लग जाता है, तो आधा तो राहत उसको वहीं से आने लग जाती है। फिर अगर लगता है कि हमें इसको दवाई देने की ज़रूरत है, तो फिर हम उसको मेडिसिन के साथ ट्रीट करते हैं। अब जैसे कि डॉक्टर, एक और मिथ है कि लोगों को लगता है अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो सिर्फ ना गोलियां दे देते हैं जिससे कि हमारा बच्चा सोता ही रहता है। एक तो ये मिथ है, और एक इसके अलावा ये भी मिथ है कि अगर वो ये गोलियां खाएगा तो उसे इस गोलियों की आदत पड़ जाएगी। तो इन दोनों मिथों को आप कैसे जो है क्लियर कर सकते हैं लोगों को? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं वो जाकर इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस बनाती हैं। शुरुआत में जैसे आप ये ही इज़ नॉट रिलैक्स्ड, है ना, अब मुझे इनको रिलैक्स करना होगा तो मैं इनको दवाइयाँ वो दूंगा जो बैलेंस बनाएंगी, तो वो जाके अपनी बॉडी के ऊपर एडजस्टमेंट करेंगी। तो शुरुआत में 2-3 दिन थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ढीला होएगा, लेकिन वो नशा नहीं होता, वो इनको रिलैक्स करने के लिए होता है, और वो ज़्यादा दिन नहीं होता, वो 2-3 दिन होता है, नशा जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 2-3 दिन में जब वो रिलैक्स होता है, बॉडी अडेप्ट हो जाती है, लाइफ नॉर्मल होने लग जाती है। और दूसरी चीज़ जो आपने मेरे से पूछा कि एक ये मिथ है कि अगर साइकियाट्री की मेडिसिन हम खाते हैं तो पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है, ये गलत मिथ है। अगर आप डॉक्टर के बताए, आपके डॉक्टर भी स्पेशली साइकियाट्रिस्ट के बताए के अनुसार मेडिसिन लेते हैं, प्रॉपर फॉलोअप करते हैं, प्रॉपर कंप्लायंट है, कंप्लायंट मतलब कि प्रॉपर जैसा उसने बताया वैसे दवाइयां खाते हैं, तो 6 महीने तक मैक्सिमम मेडिसिन खानी पड़ती है ज़्यादातर केसेस के अंदर, और उसके बाद मेडिसिन बंद भी हो जाती हैं। तो ये मिथ है कि एक बार दवाई खाई तो पूरी ज़िंदगी खाओगे, नहीं, जहाँ पर पूरी ज़िंदगी दवाई खाने की नौबत आती है वहाँ पर सिर्फ कंप्लायंस इश्यूज़ होते हैं तो खाते हैं, या आप झिल जाते हो दवाई खाकर, आप खुद छोड़ देते हो, तो हर साइकियाट्री प्रॉब्लम में एक समस्या होती है कि वो रिलैप्स होती है, तो वो रिलैप्स होती है तो इस वजह से वो लोग ज़्यादा ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते हैं। तो सर, ये जो अभी लक्षण हमें देखने को मिले, जो आप कह रहे हो कि आगे खुदकुशी का भी अगर कारण बन सकते हैं अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास ना जाओ, तो मेरा एक मिथ और है, क्या लोगों का ये भी मानना है कि मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये मन का बहम है, तो इस मिथ को आप कैसे दूर करेंगे? मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना फिजिकल हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ इवन मेरे लिए, मैं क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर अब लोग प्रायोरिटी देने लग गए हैं जैसे जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं, जैसे जैसे हमें चीज़ों की समझ में आ रही है, लेकिन अदर देन इंडिया, बाहर के जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ को दी जाती है, क्योंकि यही आपको शारीरिक बीमारियाँ भी देती है अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, और ये जानलेवा भी हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो ये देखिए आज डॉक्टर साहब ने हमको कितने अच्छे से समझाया कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है और कैसे यही लक्षण आपकी खुदकुशी का कारण बन सकते हैं। अगर आपके आसपास या घर में कोई बच्चा बूढ़ा जवान है जिसको यही लक्षण है तो वो सीधा जो है डॉक्टर के पास जाए और उनसे उनकी सलाह जरूर ले। धन्यवाद।